इसी हालत में हम इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। हम बात कर ही रहे थे, ओ भाई साहब क्या एक्सीडेंट। मोस्ट प्रोबेबली 2 लीटर लिया होगा, क्योंकि 2 लीटर के अंदर ना 295 के आसपास की पावर है। जो कह रहा हमारे गांव में सिर्फ फॉर्च्यूनर आनी चाहिए, डिफेंडर आनी चाहिए, दूसरी गाड़ी हमारे गांव में एंट्री नहीं होनी चाहिए। और भाई इस स्टेयरिंग पे बैठ के भाई इसकी जो फील है ना वो। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? तो बहुत अच्छे और फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। भाई आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी टायर रमन भाई के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड भाई आज हम लेके आए थे अपनी नैनो को भाई यहाँ पे अलॉय चेंज के लिए, लेकिन भाई कुछ ऐसे कारण हो गया कि आज हम इसको वापस नहीं ले जा रहे हैं। इसी हालत में हम इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं रमन भाई के पास। तो भाई अभी अपनी गाड़ी से सामान क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई, ये तो अगर आपने लास्ट ब्लॉग देख लिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई इस ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा। एंड हम बिना नैनो के अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जी सिंह साहब चले जी। लो जी अपनी गड्डी आ गई है। कितनी देर बीच लगा दोगे? दो सवा दो घंटे। मैं तो यार नैनो में 1.5 घंटे में आया था। पाजी दो सवा दो घंटे लगाएंगे। नहीं, लगा अपना रूल्स क्या चल रहे हैं। चलो ठीक है रमन भाजी, हमारी नैनो आपके हवाले। चलो हाँ चलो जी। तो भाई असि बैठे गुरप्रीत पाजी की अर्टिगा। और भाई मैं गाड़ी को दे रहा था, काफी साफ सुथरी मेंटेन कर रखी है पाजी ने। मेरी नजर गई मीटर पे लिखा हुआ 3,39,070 किलोमीटर। तो मैं पूछा गुरप्रीत पाजी ने, मैं यार कितनी चली है पाजी? 7,90,000 किलोमीटर। बता यार, लोग कहते हैं कि खाली टोयोटा का इंजन इतना चलता है। देख लो भाई ये डीजल इंजन है, फीएट का 1.3 मल्टीजेट जो आता था भाई। देख लो 1300 cc वाला जो वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड इंजन है ना फीएट वाला, तो वही इंजन इस गाड़ी में। और भाई देखो टाइम पे आप सर्विस कराओ, बढ़िया काम कराते रहो ना, तो भाई सारे इंजन रिलायबल होते हैं। एक आधा ही होता है इंजन जो भाई नहीं साथ देता, नहीं तो अगर आप गाड़ी का प्रॉपर ध्यान रखोगे ना तो भाई गाड़ी 8-16 लाख भी चलेगी। और साल कितने हो गए पाजी? 2017 सितंबर, यानी 5 साल में लगभग 8 लाख किलोमीटर पाजी ने चला ली। बहुत बढ़िया है भाई, यही इंजन तो था जो बढ़िया था, जो मरुति की गाड़ियों को सेल्स दे रहा था डीजल में। ये इंजन अब रहा नहीं, फिएट ने इसको अपडेट किया नहीं। अपडेट कर देती तो मारुति उसको कंटिन्यू करती रहती। मारुति ने डीजल में ज्यादा खुद के अपने इंजन में इंटरेस्ट दिखाया नहीं। चलो एनी हाउ फिलहाल हम जा रहे हैं भाई वापस चंडीगढ़। पहले जाएंगे हम सानेवाल से हम इसी हाईवे पे, पहले NH44 हो गया, तो NH1 था पहले ये। अब NH44 से हम लेफ्ट लेंगे सानेवाल के लिए, एंड सानेवाल से फिर हम राइट लेंगे NH5 के लिए, एंड फिर वहां से हम सीधा पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। एंड वहां से उठाएंगे भाई दूजी गड्डी, और दूजी गड्डी कौन सी हैगी वो तो चंडीगढ़ जाके पता लगूगा। एंड फिर अपन अपने बाकी काम करते हुए, एंड भाई जिस भाई को हमने अपनी हैरियर सेल की थी और जिन्होंने लिया है, जिन अंकल ने, तो आज भाई अपनी मीटिंग भी है। अंकल को उनकी साजिश का पता लग गया है, उन्होंने वीडियो देखा और भाई उन सबके तोते उड़ गए। तो वो यही कह रहे थे कि विक्रम भाई आपने नाम क्यों नहीं बताया उनका। मैं बोला मैं यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर भी है यार, क्यों नाम बता के इनका ज्यादा ही वो किया। फिर कहेंगे यार विक्रम भाई आपने तो हमारा बिल्कुल ही धंधा चौक, हमारी असलियत सामने ला दी। तो भाई मैं नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हारे को सिर्फ एक मौका दिया है मैंने, सुधर जाओ, ये काम मत किया करो, शोभा नहीं देते, जानकार को ही काटते हो। अब उस अंकल की क्या गलती है भाई, 2,50,000 रुपए उससे कमाए यार अंकल से, वीडियो में ये दिखा के कि भाई हमने तो 17 लाख की। मेरे को ये बोला सर आप बता दो 17 की, ठीक है मैंने 17 ही बता दी। एंड उसके बाद भाई उसको भाई 17.5 की बेच रहे, तो ये गलत बात है भाई। आटे में नमक खा लो भाई, नमक में आटा मत खाओ। हम बात कर ही रहते भाई साहब क्या एक्सीडेंट हो रखा है जबरदस्त, 500 थी भाई। अभी हम ना बात कर ही रहे थे, फॉर्च्यूनर वाला हमारे पीछे पड़ा हुआ, पे कैसे कर रहा था भाजी, और दिमाग में दर्द कर दिया उसने। माँ भाई तू ले जा निकाल के, हमने स्लो कर ली, ब्लाइंड कटता मतलब कर्व था, कर्व पे तो वैसे भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो पता नहीं क्या जल्दी थी, चला तो गया भाई जल्दी। अब भाई थोड़ा ध्यान से चलाया करो भाई, ऐसे एक्सीडेंट दिखते ना तो बड़ा मन बड़ा खराब सा हो जाता है। पकड़ लिया भाई फॉर्च्यूनर वाला हमने, यही था ना 411 नंबर वाला था ना भाजी, बता कितनी बजा ली यार इसने, है यही खड़ा है, बता हम ही ओवरटेक कर लेंगे इसको साइड से। ले दो हमने गड्डी नहीं तोड़ी इसके ओवरटेक के चक्कर में, हम तो रोड पे चला लेंगे भाई। ले भाई फिर रुक गया, ले भाई फिर तेरे बराबर आगे बजा ले भाई। और अपना भाई 25 किलोमीटर रह गया है सफर पाजी के साथ, और फिर पाजी ने अपना आगे का भी अरेंजमेंट करा दिता है, असि पाजी का नंबर लेके रख लेंगे और पाजी से पूछ लेंगे कि भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दे, तो कोई आएगा तो भाई फोन कर ले भाई, जिसको लुधियाने से चंडीगढ़ या आसपास कहीं भी जाना हो पाजी टैक्सी अरेंज करा देते हैं यार। हम तो जो भाई मिल जाए हम तो उसका भला करते हैं, चलते हैं जिस आए हाय ठीक है। हाँ हाँ बस लेफ्ट मार लो इधर से, ओके जी धन्यवाद भाई, बढ़िया बंदा से भाई गुरप्रीत।
तो भाई गुरप्रीत भाजी ने अपनी आगे के लिए भी गड्डी करा दीती है। तो अब चलते हैं भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आधा घंटा, क्योंकि मैंने गाड़ी थोड़ा एक घंटे बाद बुलाई है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। One hour later. तो आज ना मैंने इनको भाई टैक्सी की सवारी भी कराई दी है। विराज कैसा मजा आ रहा है? अच्छा, विराज को तो हर चीज में अच्छा ही लगता है। तो भाई वहां से हम आए थे अर्टिगा में एंड देन उसके बाद भाई गाड़ी तो हमारी कोई दूसरी आनी थी, पर उन्होंने जिस भाई से बुक कराई थी उन्होंने भाई को भेज दिया, तो भाई को उस तरफ जाना था। तो चलो भाई हमने तो दूसरी मंगाई थी, ये आ गई तो हम तो इसमें चले जाएंगे, हमारे को तो टाइमली घर पहुंचना है भाई। एंड फिलहाल अभी हमने रास्ते भाई को व्लॉग नहीं किया मैंने बिल्कुल भी, भाई यूँ तमाया फटाफट पहुंच जाए क्योंकि भाई भी भाई थोड़ा शांत सही है, तो हम इसलिए अब फटाफट अभी पानीपत पहुंचेंगे। मैंने अपने जो कुछ टेलर से ना कुछ सामान उठाना मैंने अपने, तो वो अपन पिक कर लेंगे। एंड लास्ट टाइम मैंने ना उनका नंबर देना भूल गया था, जो भाई उन्होंने पहले से फॉलो किया, जैसे मैंने वो धोती और वो कुर्ता वो सब स्टिच करवाया था तो वो मैंने लिया था, तो उनका नंबर नहीं था। इस बार जब मैं उनसे पिक करूंगा ना उनका व्लॉग भी बना लूंगा एंड उसी टाइम स्क्रीन पे नंबर उनका फ्लैश भी करता हूँ ताकि आपको उनसे बनवाना होना। भाई बहुत बढ़िया स्टिच करते हैं, मतलब जितने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना ये सारे स्टोर्स वाले भाई उन्हीं से बनवाते हैं। देखो तो हमने भाई वो मेन कारीगर पकड़ रखा है, बस इतना ही फर्क है। भाई साइड वाली सीट पे बैठे ना बड़ा बोरिंग सा फील होता है, जिसको चलाने की आदत हो ना, तो मैं तो भाई को बोलने लगे भाई चलाने को दे थे, मैं कहा नहीं मैं चले आ रहा हूँ, बैठ के थोड़ा अपना कम्प्लीट कर लेते हैं। 75 years later टैक्सी से सीधा आगे अपनी स्कॉर्पियो में। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हैं आप सब? भाई इसी ब्लॉग में दोबारा से आपका वेलकम कर रहा हूँ। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही ब्लॉग के अंदर आपका दो दो बार वेलकम कर देता हूँ मैं, ऐसा कभी कभी होता है भाई, हमेशा नहीं होता। तो भाई कल रात को हम पहुंचे थे 1:30 बजे, हाँ रात को 1:30 बजे, कई भाइयों को नहीं पता तो 1:30 कितना होता है, काफी पूछते विक्रम भाई 1:30 क्या होता है, तो 1.5 मतलब एक घंटा और उसका आधा होता है, 1:30 ऐसे बोलते हैं देसी भाषा में बोल देते हैं। तो उसके बाद तो भाई अपना रेस्ट करने भाई, बट ऑब्वियसली सी बात है भाई आदमी थक जाता है तो अपना रेस्ट करने के लिए जाता है और फिर आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे को हो जाते हैं भाई मंडे एंड मंडे को जाते हैं पहुंच जाता है काम एंड फिर कामों को निपटा के बंदा होता है शाम को फ्री। एंड अब हम फ्री होके अब जा रहा हूँ मैं एक बार एलुश भाई के पास, क्योंकि कल अपने एलुश भाई ने भाई डिलीवरी ली थी अपनी नई बॉक्सर की 718। बढ़िया गाड़ी है, बहुत मस्त भागती है। इसके अंदर भाई दो इंजन ऑप्शन आते हैं, 4 लीटर आता है और 2 लीटर आता है। अब एलविश ने कौन सा लिया भाई वो तो गाड़ी को देख के पता लगेगा, 2 लीटर लिया है या 4 लीटर, मोस्ट प्रोबेबली 2 लीटर लिया होगा क्योंकि 2 लीटर के अंदर ना 295 के आसपास की पावर है और 380 Nm इतना ही टॉर्क है उसके अंदर। 4 लीटर भाई साहब 6 सिलेंडर इनलाइन, क्या मस्त इंजन है उसका, पर भाई साहब वो भागता भी बहुत है। हालांकि 0 to 100 वो 4.9 मतलब ये वाली 2 लीटर 5 सेकंड में करती है एंड जो दूसरे वाली है वो 4.5 सेकंड का तो फर्क है यार, प्लस माइलेज में भी तो बहुत फर्क आ जाता है। ये अराउंड 14-15 देती 2 लीटर, वो तो भाई 10 से नीचे है, 10 से ऊपर नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती भाई। तो वही बात कहूंगा 6 सिलेंडर इन लाइन है भाई, V6 नहीं है, 6 सिलेंडर इन लाइन। इसका फर्क एक दिन मेरे को पवन भैया ने समझाया था, पवन डबास, यार बहुत बार मन करता है भैया के पास आपको लेके चलूं, एक दिन एक स्पेशल व्लॉग ही करने चलेंगे हम वहां पे ना पवन भैया के पास ओम ऑटोमोबाइल्स छाड़सा में, फिर भैया के पास आपको मिला के लाता हूँ। भाई साहब इतना ज्ञान का भंडार है उन भाई के पास बहुत ही ज्यादा, जैसे हमारे पास है ना, हमारे यहाँ तो बहुत कई गुना है उनके पास, तो उनके पास चलेंगे। बहुत बकबक कर लिया मैंने, अब सीधा चलते हैं आपको भाई की गाड़ी दिखाते हैं। वैसे आप लोगों ने देख ली होगी गाड़ी यार, मोस्टली देख ली होगी, अलग से तो हम रिव्यू करेंगे गाड़ी का एलविश भाई के साथ, लेकिन फिलहाल तो भाई गाड़ी देखने चलते हैं। जब भी भाई कोई गाड़ी आती है अपने ग्रुप में तो भाई मैं या तो कहीं बाहर होता हूँ या शहर में आ रहा होता हूँ, मौके पे तो मैं मौजूद कभी नहीं होता हूँ, तो ऐसे अपने ना बहुत सारे इनविटेशन ना खाली चले जाते हैं। पर ज्यादा वही है ना, फोन पे तो खैर बातचीत हो गई थी भाई से, पर वही है कॉन्ग्रेचुलेशन मिलके देने में जो मजा है ना फोन में कहा भाई। और अभी आगे भाई हम घाटा में, रज्जू तो खैर बाहर गया हुआ है अभी 2-3 दिन के लिए, पर अभी अलविश इधर ही पहुंचा है तो बोला विक्रम भाई कहाँ हूँ मैं, आ जाओ। तो भाई गाड़ी तो ये खड़ी भाई येलो कलर की बॉक्सर, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक सी है, सही है, बढ़िया है, मस्त है, कुछ एक अलग कंसेप्ट है, मतलब ये नहीं कि सारे मतलब सब SUV तो ऑलरेडी लेके बैठे ही है भाई। पोर्श की एक ना 911 आती है वो भी बड़ी प्यारी लगती है, प्यारी गाड़ी है भाई। एक तो ऐसा जूते बनते हैं फैक्ट्री के अंदर और दूसरे जो जूते इकट्ठे होते हैं वो होते ही यहाँ, ये देख लो भाई सारे सारे मतलब इनने जितने भी है जॉर्डन इकट्ठे करने हैं ना वो इनने करने हैं, जॉर्डन ये देख लो, जो भी जॉर्डन भाई हो रहा है वो भी जॉर्डन हो रहा है, वो भी जॉर्डन हो रहा है भाई साहब, सारे जॉर्डन इनने इकट्ठे करने हैं, और देख अभी भी डील चल रही है भाई, पर बढ़िया लगा। बाकी भाई गाड़ी की बधाई तो हमने भाई को दे दी है और ये रही भाई गाड़ी की चाबी, इसकी एक टेस्ट ड्राइव भी करेंगे हम अभी एंड रिव्यू आपको बाद में आराम से देंगे, ऐसा ना पूरा फ्री माइंड होके बिल्कुल आराम से तसल्ली से करेंगे, फिर आपको पूरी बातें बताएंगे सारी चीजें बताएंगे। अभी गाड़ी को ना बाहर निकाला जा रहा है
तो भाई बिल्कुल प्यार प्यार से निकाला, वैसे लगी नहीं भाई है ग्राउंड क्लियरेंस इतनी तो है कि मतलब रोड पे आराम से चल सकती। ओए होए होए यहां देखो ये बच गई नहीं लगी निकाल ले भाई। ऐसा ना फॉर्च्यूनर से फिर ये बंदा चला होगा तो भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी भाई ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ मैं और भाई अज्जू के गांव में ना ब्रेकर बहुत ज्यादा है। कितने ब्रेकर बना रखे हैं यार, इतने ब्रेकर बनाया करे यार, यहाँ से ले घर तक भी यार 5-7 ब्रेकर बना रखे हैं। ऊंची गाड़ी बनी है आगे ले बस। अज्जू कह रहा हमारे गांव में सिर्फ फॉर्च्यूनर आनी चाहिए, डिफेंडर आनी चाहिए, दूसरी गाड़ी हमारे गांव में एंट्री नहीं होनी चाहिए। बाकी कैसी लग रही है भाई ड्राइव करने में? ड्राइव करने में मजेदार है। बाकी भाई एक बार हम फटाफट एक इसकी तुरंत वाली होती है ना राइड वो लेंगे, एक बार भगा के देखेंगे। भाई कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई, ऐसे भाई तरक्की करता रहे, गाड़ियां लाता रहे और हम उन गाड़ियों का बढ़िया से रिव्यू देते रहे, है ना। और भाई इस स्टेयरिंग पे बैठ के भाई इसकी जो फील है ना वो इस पे बैठने वाला बंदा ही ले सकता है भाई, सच में भाई गुड ऑसम फीलिंग है। और कन्वर्टेबल है तो भाई ऊपर छत है ही नहीं हमारे, खुले आसमान के नीचे खुली गाड़ी चला रहे हैं, खुले में चला रहे हैं भाई। एंड बाकी भाई रोड इतना अभी वो है नहीं, अभी हम प्लेन रोड पे भी हम जाएंगे तो भाई वहां तो बस यूं है चक्कर चक्कर काटते रहेंगे, मन इतना करेगा कि उतरो मत गाड़ी से। बाकी भाई गाड़ी वाकई भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ इसके भाई तो वो है ना, मैं जिस गाड़ी में बैठूंगा तो उसके या तो नंबर की बात होगी या टायर अलॉयज की बात होगी, तो इसके अंदर ना अभी थोड़ा टायर साइज ना बड़े हैं, मतलब वो है तो थोड़ा सा कंफर्टनेस बढ़ाने के लिए हम इसके टायर्स पे अलॉयज पे कुछ सोच सकते हैं, है ना, तो वो हम सोचेंगे। भाई पोर्श के बाद स्कॉर्पियो में बैठ के ना एक अलग ही फील है भाई, इसमें हम इतनी हाइट पे बैठे हैं उसमें बिल्कुल सड़क पे, भाई दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल अलग ही फील है भाई सच में। और भाई 5000 आरपीएम के बाद क्या फाड़ के निकलती है गाड़ी, मजा आ गया भाई, गजब मजा आ गया। पूरे जो 300 घोड़े दे रखे हैं ना गाड़ी के अंदर, गजब काम करते हैं। एक साइड में ना ऑडी वाला भाई, 2-3 राउंड लिया हमने मजे से, रिकॉर्ड तो करके मैंने आपको एक ही दिखाया भाई, दो एक ऑडी वाला जा रहा था उधर से उसके साथ में लेके मैंने आराम से फिर दिया पंजा, वो भाई साहब क्या गाड़ी निकली भाई एकदम से, ओए स्वाद सा आ गया भाई चला के, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। और कलर बहुत प्यारा है भाई गाड़ी का, कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मेरे को ना इस सेगमेंट में मस्टैंग बहुत अच्छी लगती है, पर ये चॉइस भी बहुत अच्छी है। देखो मैंने पहली बार चलाई थी बॉक्सर भाई, मस्टैंग चलाई है, मस्टैंग में भाई बड़ा मजा था, पर ना क्या है कि मस्टैंग में थोड़ा सा ना ज्यादा हो गया ना कंट्रोल से बाहर होने रहता है भाई, गाड़ी कंट्रोल से बाहर नहीं हो रही थी, शू जाती है, चुपचाप घर हो लेता हूँ सीट बेल्ट लगा के। मैं भी एक्साइटमेंट सीट बेल्ट लगाई नहीं और आपसे बात, भाई खुशी इतनी हो रही है। एंड भाई भाई के लिए बहुत ज्यादा खुशी कि भाई भाई ने गाड़ी ली, ऐसे भाई तरक्की करते रहे, हमारे सारे भाई जितने भी अपने सारे भाई है भाई सब अपना खूब तरक्की करते रहे, ऐसे गाड़ियां लेते रहे, मस्त मस्त गाड़ियां लेते रहे, ऐसे मजा आता रहे भाई। मेरे को तो बड़ी खुशी होती है जब कोई भी अपना भाई आई गाड़ी लेता है और भाई ऐसे लेता है कुछ अलग डिफरेंट लेता है। देखो लीक से हटके गाड़ी ली भाई ने, जैसे मेरे को काफी लोगों ने कहा विक्रम भाई आप स्कॉर्पियो के ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, तो भाई मुझे पता ना गाड़ी का, तो वही बात है भाई एल्विश ने भी अपने मन की सुनी और बॉक्सटर ली, मतलब वही है भाई भेड़ चाल में जहाँ जाके वो नहीं ली दूसरी गाड़ी या मस्टैंग की तरफ, मस्टैंग बहुत लोगों ने ले रखी है पर कुछ अलग लिया भाई ने, बिग थम्स अप टू एल्विश भाई। बाकी भाई की गाड़ी के अंदर हम टायर अलॉयज में कुछ चेंज करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम अलॉयज का साइज बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसमें ऑलरेडी भाई 19 इंच के अलॉयज आए हुए हैं तो उसके अंदर भाई 18 के ऊपर जा सकते हैं कि उससे ना जो साइड प्रोफाइल है वो बढ़ जाएगी टायर की, तो जिससे गाड़ी के अंदर कंफर्ट बढ़ जाएगा। नहीं तो भाई एकदम से स्पीड से अगर आप एकदम खड्डे में जाओगे ना तो पूरा थोड़ा सा अंदर जर्क फील होता है आता है भाई, मतलब टायर रहेगा ही नहीं, टायर ही इतना सा होगा यार साइड में, बिल्कुल लो का भी लो प्रोफाइल है भाई, तो वही है। बाकी गाड़ी बहुत बेहतरीन है। एंड भाई अपनी नैनो का भी अपडेट आ गया है, मे बी कल या परसों तक वो रेडी हो जाएगी, अगर कल रेडी हो जाएगी तो हम परसों निकल जाएंगे, एंड नहीं होएगी तो भाई उससे नेक्स्ट डे निकलेंगे। अब किस चीज़ में जाएंगे भाई नैनो को लेने के लिए ये भी एक असमंजस है कि कैसे जाएंगे, 2-3 ऑप्शन है अपने पास, या तो एक भाई ने है उन्होंने भी अपनी गाड़ी में अलॉयज डलवाने, वो मुझे बोले थे कि भाई मुझे भी डलवाने आप साथ चलोगे तो मैं डलवा के लाऊंगा, तो भाई मैंने उनको बोला था अब मौका है मेरे पास कि मैं बोलूंगा कि भाई अब मैं साथ चल सकता हूँ आप तुम्हें डलवाने तो पूछ लूंगा भाई से, भाई चलो ठीक है नहीं तो एक अलग सा सफर में आपको लेके चलेंगे, स्पीड से जाएंगे सीधा जाएंगे गुड़गांव टू लुधियाना।